दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है, और अगर आपने पूछा नहीं भी है तो भी आपके मन में डाउट जरूर होगा कि वो जो विंडोज में आपको मिलता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन, वो क्या है, कैसे काम करता है, और क्या आपको अपने डिस्क को डीफ्रेगमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सो देखिए, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो एक काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी आपकी मदद करता है आपके स्टोरेज डिवाइस जो कि आपका एक प्राइमरी हार्ड ड्राइव होगा आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, उसको मेंटेन करने में और आपके कंप्यूटर की स्पीड को बरकरार रखने में। अब ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जरा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात क्या है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वहां पे आप मान के चलिए कि जब आपने सिस्टम लिया तब एक तरीके से वो खाली थी, आपने वहां पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, आपने वहां पे अपना कुछ कंटेंट रखा, आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे, कुछ फाइल्स रखी, वो धीरे धीरे करके भरती चली गई। अब हार्ड ड्राइव जो है बेसिकली जब वो भरती है एकदम खाली से, तो वो भरती है सिक्वेंशियल वे में, यानी कि एक फाइल जो स्टार्ट है वो यहां से स्टार्ट होती है हार्ड ड्राइव में और वो यहां तक आ गई, यहां पे खत्म हो गई, तो बाद में अगली फाइल जब राइट होगी तो वो यहां से लेकर आगे तक राइट हो जाएगी, वो इस तरीके से कुछ राइट होती है। लेकिन आप अपने किसी भी हार्ड ड्राइव में सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को राइट तो नहीं करेंगे, आप उनको हो सकता है बाद में डिलीट भी कर दें। तो अगर आप डिलीट करते हैं रैंडमली किन्हीं फाइल्स को, बीच बीच में से कहीं से भी, वो कोई भी फाइल्स हो सकती हैं, तो ऐसे में आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो कुछ ऐसे लगेगी आपको कि कहीं पे भरी है, फिर बीच में कहीं पे खाली है, फिर कहीं पे भरी है, फिर कहीं पे खाली है। और ऐसे में अगर आप कोई डेटा दोबारा राइट करें उसके ऊपर जो कि थोड़ा बड़ा है, जो कि उस एक खाली स्पेस में नहीं आ सकता है, तो बाद में विंडोज क्या करेगा, उसके टुकड़े बनाएगा अलग अलग और वो अलग अलग खाली स्पेसेस में उसको फिट कर देगा। अब कोई बात नहीं, आप अपनी मेमोरी को आराम से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बाद में रीड करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में जो हार्ड ड्राइव का हेड है उसको जगह जगह मूव करना पड़ता है इधर उधर, क्योंकि वो जो डेटा है वो कंप्लीटली बिखरा हुआ है, और ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस भी कम होती है, और उसके अलावा जो आपकी हार्ड ड्राइव की लाइफ है वो भी कुछ हद तक कम हो सकती है। अब देखिए, ऐसे में बात सिर्फ एक फाइल की नहीं, आप इमेजिन करो कि आपके सिस्टम में कितनी सारी फाइल्स होंगी, आपने कितनी बार उनको मिटाया है, कितनी बार अपने डेटा कॉपी कर दिया है, तो ऐसे में वो जो हार्ड ड्राइव है उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार हो जाती है कि कहीं कहीं पे खाली है, कहीं कहीं पे भरी है, सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कौन सी फाइल कितने टुकड़े हैं, कहां कहां पे है, और ऐसे में बहुत टाइम लगता है रीड राइट के अंदर, और आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ को भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर आप ये काफी टाइम से कर रहे हैं, अगर काफी टाइम से सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो एक मौका आता है जब आपको लगता है कि यार ये जो है ना ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको करना चाहिए डिस्क का डीफ्रेगमेंटेशन, यानी कि वो छोटे-छोटे टुकड़े बन गए हैं उनको आपको अरेंज करना चाहिए कुछ इस तरीके से कि वापस से आपकी सभी फाइल्स एक साथ अपने-अपने ग्रुप्स में आ जाएं, जिससे उनकी रीड राइट एक्सेस भी काफी आसान हो और आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। तो इसीलिए आप करते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, और उसकी मदद से क्या होता है कि किसी भी फाइल के अगर टुकड़े हुए हुए हैं तो सिस्टम उसको अरेंज करता है कुछ इस तरीके से कि वापस नई जगह सिंगल पीस में निकल के आ जाती है और आपकी सभी फाइल्स पास-पास अलग तरीके से अरेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल सिंपल था आपके हार्ड ड्राइव का, या फिर आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक बैग पैक किया है, उसमें काफ़ी सारा सामान में डाल दिया है, लेकिन आपने बाद में कुछ कुछ सामान निकाल भी लिया है, ऐसे करते करते उस बैग में कुछ जगह खाली भी है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप एक बड़ा कोई भी पीस है उसमें बैग में रख पाएं, तो हो सकता है कि आपको वो अरेंज करना पड़े आगे पीछे अपना सामान, ताकि आप उसके लिए जगह बना पाएं कि आप उसको रख दें आराम से। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, बुक शेल्फ के अंदर बुक्स हैं, आपने बुक्स निकाली, बुक्स डाली, स्पेस बनती गई, बीच बीच में खाली, बाद में एक मोटी बुक लेके आ गए तो आप उसको कैसे रखोगे, तो आप सबको खिसकाओगे साइड में, फिर जगह बनाओगे, फिर रखोगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप मेन आइडिया समझ गए होंगे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों करना चाहिए। अब ऐसे में विंडोज के अंदर आपको मिलता है इनबिल्ट टूल, जहां पे आप कर सकते हैं बड़े आराम से किसी भी अपनी हार्ड ड्राइव पार्टीशन, या बेसिकली किसी भी आपके हार्ड ड्राइव का डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा आप चाहें तो इसको पीरियडिकली भी रन करवा सकते हैं। यहां पे दो बातें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर आप एक SSD यूज करते हैं तो ऐसे में आपको जरूरत नहीं है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की, और उसके अलावा अगर आपके पास में एक मैक सिस्टम है तो ऐसे में भी जरूरत आपको बहुत केसेस में नहीं ही पड़ेगी, क्योंकि जो मैक सिस्टम है वो छोटी फाइल्स को स्प्लिट नहीं करता है और वो कोशिश करता है कि वो फाइल्स एक ही जगह पे रहें, और बहुत ही ज्यादा टाइम बाद अगर आप चाहें तो OS को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैक में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विंडोज में करें तो बेहतर रहेगा आपकी डिवाइस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए और आपकी हार्ड ड्राइव की लाइफ के लिए। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। कोई और सवाल सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।